ए ऑडिटर या चार्टर्ड सेट एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं क्या करूं सर ऑडिट सर्विसेज रेंडर करूं मैं क्या करूं ऑडिट रेंडर करूं अब अगर एज ए चार्टाउंटेंट मैं ऑडिट सर्विसेज रेंडर करता हूं मैं क्या करता हूं सर ऑडिट सर्विस रेंडर करता हूं तो वहां पे स्टैंडर्ड्स लग जाते हैं ऐसे टू से लेकर एट तक ठीक है ना टू से लेकर एट हंड्रेड तक रेतल से ऐसे हंड्रेड से लेके एट तक Uh, लेकिन ऐसा नहीं है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी दुनिया सिर्फ ऑडिट में खत्म हो जाती है ऑडिट के अलावा देर आर मैनी मोर एंगेजमेंट्स दैट आई कैन ऑफर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक है जैसे कि ऑडिट के अलावा सर रिव्यू का भी काम होता है ऑडिट के अलावा रिव्यू का भी काम होता है एंड रिव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे लगता है एस आर सीरीज क्या लगता है एस आर सीरीज लगता है तो बेसिकली अगर ऑडिट और रिव्यू की बात करें दोनों में एक सिमिलैरिटी है समानता है कि दोनों के दोनों क्या है सर एश्योरेंस एंगेजमेंट है दोनों के दोनों क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट है बोथ ऑफ देम आर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड अगर बात करें तो दोनों डील करते हैं विध फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों डील करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ये सिमिलैरिटी है ऑडिट एंड रिव्यू के बीच ठीक है कि दोनों के दोनों एश्योरेंस एंगेजमेंट है एंड अगर हम लोग बात करें तो दोनों के दोनों डील करते हैं विद द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके अलावा आदर दैन ऑडिट्स आदर देंदर आदर ऑडिट एंड आदर दैन रिट बी सम आदर एश्योरेंस एंगेजमेंट एज वेल देर माइड बी सम आदर एश्योरेंस एंगेजमेंट एज वेल और उस केस में लगने वाला है एस ए थर्टी फोर हंड्रेड सीरीज क्या लगने वाला है एस ए थर्टी फोर हंड्रेड सीरीज दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऐसा भी हो सकता है सर कि हम लोग कुछ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग कुछ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इन रिलेटेड सर्विसेज में कुछ एश्योरेंस दिया ही नहीं जा रहा वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एश्योरेंस ऑल टुगेदर और इसके ऊपर लगता है एस सीरीज क्या लगता है एस सीरीज एस आर सीरीज तो कुल मिलाकर एज ए चार्टेड अकाउंटेंट जब मैं क्या करूंगा सर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैं सर्विसेज रेंडर करूंगा तो एक तो हो सकता है मैं कंपनी का ऑडिटर बन जाऊं तो अगर मैं कंपनी का ऑडिटर बन जाऊं तो इन दैट सिचुएशन मेरे ऊपर लगने वाला है ऐसे हंड्रेड से लेकर एट हंड्रेड सीरीज या फिर ऐसा हो सकता है सर कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऑडिट भी कर रहा हूं और मैं रिव्यू भी कर रहा हूं अगर मैं रिव्यू कर रहा हूं तो इन द कैपेसिटी ऑफ रिव्यूअर मेरे ऊपर लगने वाला है सीरीज़। और ऑडिट एंड रिव्यू के बीच दो सिमिलैरिटीज़ है कि दोनों के दोनों एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं एंड दोनों डील करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ठीक है उसके बाद ऐसा भी हो सकता है सर कि आदत देन ऑडिट एंड रिव्यू हम लोग बाकी एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या कर रहे हैं सर परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हैं तो वहां पर लगता है ऐसे ही थर्टी सर्विसेज और ऐसा भी हो सकता है सर कि हम लोग कुछ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करें कुछ ऐसे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि ऑडिट से रिलेटेड है ऑडिट से मिलता जुलता है मगर ऑडिट नहीं है राइट बट रिलेटेड है जैसे कि अकाउंटिंग की सर्विसेज

कि ऑडिट भी और रिव्यू भी दोनों क्या है सर एश्योरेंस एंगेजमेंट है और दोनों डील करता है विद द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ठीक है अब ऑडिट एंड रिव्यू के बीच बाकी डिफरेंसेस क्या हैं और बाकी सिमिलैरिटीज क्या हैं सबसे पहले ये वाली चीज क्लियर करते हैं उसके बाद हम लोग रिव्यू स्टैंडर्ड्स में जाएंगे कि अपने कौन कौन से रिव्यू स्टैंडर्ड्स हैं और उसके बाद अपन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स में जाएंगे मैं तुमको प्रैक्टिकल रिपोर्ट दिखाऊंगा और फिर हम लोग लिटरेचर में जाएंगे टेक्स्ट में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा पूरा ठीक है अब रिव्यू स्टैंडर्ड्स सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंसेस मैंने पहले से लिख के रखा है तो आप इन बेसिस ऑफ डिफरेंसेस को देखकर मेरे को यह बताने वाले हो कि ऑडिट में क्या होने वाला है ठीक है आप मेरे को यह बता दोगे कि ऑडिट में क्या होने वाला है उतनी तो मदद आप कर सकते हो ना मेरी कि ऑडिट में क्या होने वाला है बताते जाना मैं फिल करते जाऊंगा और उसके बाद देखेंगे सर करस्पॉडिंगली रिव्यू में क्या डिफ्रेंसिएशन आएगा ठीक है जी आर यू रेडी ओके लेट सेट गो तो सबसे पहले आप मुझे बताना सबसे पहले आप मुझे बताना भाई तुम्हारा क्या हो रहा है सर मेमोरी टेस्टिंग हो रहा है ठीक है कि ऑडिट में हम लोग कौन से प्रकार का एश्योरेंस देते थे बताना 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 क्या बोल रहे हो सुनाई नहीं दिया ऑडिट में कौन से प्रकार के एश्योरेंस देते थे यस बिल्कुल सही बोला ऑडिट में हम लोग रिजनेबल एश्योरेंस देते थे ऑडिट में हम लोग रिजनेबल एश्योरेंस देते थे ठीक है क्या देते थे रिजनेबल एश्योरेंस अरे क्या बोल रहे हो भाई कहीं से सुनाई दे रहा है कि सर एब्सलूट एश्योरेंस देते थे अरे भाई एब्सलूट एश्योरेंस ऑडिटर कभी नहीं देता वो इन्वेस्टिगेशन के केस में होता है ऑडिट के केस में हम लोग रिजनेबल एश्योरेंस देते हैं मतलब दैट इज अ सब्सटेंशियली हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस बट दैट इज नॉट हंड्रेड परसेंट एश्योरेंस ठीक है जी तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑडिट में क्या होता है एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑडिट में क्या होता है एक्सटेंट ऑफ चेकिंग की बात करें सर तो ऑडिट में नॉर्मली हम लोग टेस्ट चेकिंग करते थे है ना ऑडिट में नॉर्मली हम लोग टेस्ट चेकिंग करते थे बट जो कवरेज होता था दैट इज एडिक्यूएट

तो ऑडिट में हमारी वर्डिंग्स क्या होती थी सर पॉजिटिव वर्डिंग्स होती थी बिल्कुल सही बात है भाई अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें पार्टिकुलरली अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑडिट में अपना ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिट में अपना ऑब्जेक्टिव क्या था तो ऑडिट में अपना जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली दैट वाज टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन है ना ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करना ही अपना क्या था सर ऑब्जेक्टिव था बिल्कुल सही बात है ओके okay, जी अब सर बताओ कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग परफॉर्म करते थे या कौन कौन से ऑडिट टेक्निक्स अपन यूज करते थे कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स अपन परफॉर्म करते थे तो कौन या कौन कौन से ऑडिट टेक्निक्स यूज करते थे तो याद करना ऐसे 500 के अंदर मैंने तुमको एक फॉर्मूला याद करवाया था आई सी ए आई ओ आर ऐसे फाइव के अंदर मैंने तुमको एक फॉमूला याद करवाया था आई सी आई ओ आर की इंस्पेक्शन हो गया कंप्यूटेशन हो गया कैलकुलेशन हो गया री परफॉर्मेंस हो गया इंक्वायरी हो गया ऑब्जर्वेशन हो गया बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है जी अब बताओ ऑडिट में कौन से स्टैंडर्ड्स लगते हैं सर ऑडिट की बात करें सर तो ऐसे हंड्रेड से लेकर ऐसे यू नो एट हंड्रेड तक ऐसे हंड्रेड से लेकर ऐसे एट हंड्रेड तक ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स लगते हैं खाली डिफरेंस क्या था सर कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया गया है उसको ऑडिट हो रहा है तो 100 से 700 तक लगता था स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया गया है उसको ऑडिट हो रहा है तो ऐसे 800 की सीरीज लगती थी ठीक है जी अब बताना सर लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग क्या है लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग क्या है तो लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग तो आपको याद ही होगा कि यू नो एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑप्टेन्ड अस वी रिपोर्ट तो इस प्रकार से हमारा लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग होता था इस प्रकार से हमारा लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग होता था अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो एक्सेप्ट फॉर शब्द यूज करते थे कि एक्सेप्ट फॉर दिस 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 ठीक है जी अब बताना एविडेंस ऑडिटर कौन सा एविडेंस ऑप्टेन करता था सर एविडेंस ऑडिटर ऑप्टेन करता था एज डबल ए यानी कि सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बिल्कुल सही बात है जी अब आप मुझे अगली चीज बताना कि ऑडिटर अपने रिपोर्ट को किसको एड्रेस करता था ऑडिटर अपने रिपोर्ट को सर शेयर होल्डर्स को एड्रेस करता था किसको एड्रेस करता था सर नॉर्मली शेयर होल्डर्स को एड्रेस करता था अगर स्पेसिफिक असाइनमेंट है तो हो सकता है वहां पे बीओडी को भी यू नो एड्रेस करे बट नॉर्मली वो शेयर होल्डर्स को एड्रेस करता था उसके बाद मुझे एक चीज़ बताना कि जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हैं और हमने ये देखा कि देर इज अ डिपार्चर फ्रॉम द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या देखा सर हमने कि देर इज अ डिपार्चर फ्रॉम द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो इन दैट सिचुएशन अपना ओपिनियन क्या होता था इन दैट सिचुएशन आप अपना ओपिनियन होता था क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन ठीक है जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हो यार आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो उसके बाद आप मुझे अगली चीज बताना कि सर अगर मैनेजमेंट अपने स्कोप में लिमिटेशन लगाता था तब अपना ओपिनियन क्या होता था सर इन दैट सिचुएशन एडवर्स आउट ऑफ द पिक्चर हो जाता था और यहां पे हमारा ओपिनियन होता था क्वालिफाइड ऑब्लिक डिस्क्लेमर क्वालिफाइड ऑब्लिक डिस्क्लेमर याद आया सब कुछ ओके okay जी अब देखना पार्टिकुलरली रिव्यू में करस्पोंडिंगली क्या क्या चेंज आएगा रिव्यू में करस्पोंडिंगली क्या क्या चेंज आएगा जब अपन रिव्यू एंगेजमेंट्स परफॉर्म कर रहे होंगे तो करस्पॉन्डिंगली क्या क्या चेंज आने वाला है अब ऑडिट में हम लोग परफॉर्म कर रहे थे यू uh, नो you know, जो एश्योरेंस दे रहे थे वो दे रहे थे रिजनेबल एश्योरेंस दैट इज सब्सटैशली हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस अब रिव्यू में क्या होता है रिव्यू में डिटेल्ड जो लेवल ऑफ चेकिंग होती है वो थोड़ी सी कम होती है रिव्यू में जो अपना लेवल ऑफ चेकिंग होता है वो थोड़ा सा कम होता है मतलब ऑडिट से भी कम होता है ऑडिट से भी कम होता है मतलब ऊपर ऊपर से रिव्यू कर लेना ठीक है ना तो इन दैट पार्टिकुलर सिनारी इन दैट पार्टिकुलर सिनारी यहाँ पे जो एश्योरेंस दिया जाएगा जो पार्टिकुलर एश्योरेंस दिया जाएगा दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिजनेबल एश्योरेंस दैट इज गोइंग टू बी ए लिमिटेड एश्योरेंस कौन सा एश्योरेंस दिया जाएगा सर लिमिटेड एश्योरेंस दिया जाएगा लिमिटेड एश्योरेंस दिया जाएगा लिमिटेड एश्योरेंस मतलब यहाँ एश्योरेंस लेवल ऑडिट से कम रहेगा तुम समझ लो कि अगर मैं ऑडिट में रिजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ मतलब 90 टू 95 परसेंट एश्योरेंस दे रहा हूँ तो रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा हूँ मतलब 60 परसेंट तक का ही एश्योरेंस दे रहा हूँ तो लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा हूँ तो यहाँ मेरा एश्योरेंस का लेवल ऑडिट से थोड़ा सा कम होगा ठीक है जी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग हमारा क्या होने वाला है सर इट इज गोइंग टू बी लेस देन ऑडिट इट इज गोइंग टू बी लेस देन ऑडिट ऑब्वियसली चीज है ना सर चेकिंग भी ऑडिट से कम करेंगे एश्योरेंस भी ऑडिट से कम देंगे चेकिंग भी ऑडिट से कम करेंगे एश्योरेंस भी ऑडिट से कम देंगे ओके जी अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑडिट अपना वर्डिंग क्या होता था पॉजिटिव पॉजिटिव वर्डिंग होता था भाई सब कुछ सही है सब कुछ सही है सब कुछ सही है ठीक है और रिव्यू में जो अपना वर्डिंग होता है ना रिव्यू में अब क्योंकि रिव्यू में हमें कम एश्योरेंस मिलता है एज ए रिव्यू हमें कम एश्योरेंस मिलता है तो अगर हमें कम एश्योरेंस मिलता है तो हम सामने वाले को भी कम ही एश्योरेंस देंगे ना है ना तो यहां पे अपना जो लैंग्वेज होता है जो वर्डिंग होता है दैट इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव वर्डिंग दैट इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव वर्डिंग ठीक है ना दैट इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव वर्डिंग अब नेगेटिव वर्डिंग किस तरीके से होगा आगे बात करते हैं ठीक है जी अब ऑडिट में अपना रिव्यूअर कभी भी ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रहा है. कभी नहीं करेगा क्योंकि सर रिव्यूअर एक कंक्लूजन दे रहा है क्या दे रहा है कंक्लूजन दे रहा है कंक्लूजन दे रहा है वो ओपिनियन नहीं दे रहा है वहां पर वर्ड यूज किया गया है कंक्लूजन दे रहा है तो यहाँ पे रिव्यू के केस में वर्ड यूज किया गया है Forgive, review, रिव्यूअर क्या देगा सर गिव रिव्यू कंक्लूजन गिव रिव्यू कंक्लूजन गिव रिव्यू कंक्लूजन अगर आपने ये लिख दिया ना एग्जाम में कि रिव्यूअर ओपिनियन देगा एग्जाम वहीं जीरो दे, दे देगा तुमको अंडा दे देगा तुमको रिव्यूअर कभी भी ओपिनियन नहीं देगा रिव्यूअर हमेशा कंक्लूजन देगा ठीक ना? तो है ना रिव्यू कंक्लूजन तो वहां पर वर्डिंग यूज करते हैं रिव्यू कंक्लूजन ओके जी प्रोसीजर्स की बात करें तो ऑडिट में क्या था बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करते थे आईसीआई सी इंस्पेक्शन भी करते थे ऑब्जर्वेशन करते थे रीपर्फॉर्मेंस करते थे एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते थे इंक्वायरी करते थे ढेर सारे प्रोसीजर्स करते थे लेकिन रिव्यू में हम लोग उतने सारे प्रोसीजर्स नहीं करेंगे रिव्यू में हम लोग उतने सारे प्रोसीजर्स नहीं करेंगे यहाँ थोड़ा सा काम कम करेंगे रिव्यू में मेनली हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं मेनली हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स तो रिव्यू में मेनली हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स कभी कभी कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करेंगे बट मेनली यही प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड मेनली यहां इंस्पेक्शन नहीं करेंगे रिव्यू में अपना काम मेनली इंस्पेक्शन करना नहीं होता है जरूरत पड़े तो यार एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह फिर भी ले सकते हैं बट इंस्पेक्शन करना अपने रिव्यू के दायरे में नहीं आता है ओके okay जी अब अगर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पार्टी स्टैंडर्ड्स कौन सा लगने वाले हैं तो अगर अपन ऑडिट कर रहे हैं तो अपने ऊपर लगता है एस एन हंड्रेड से लेकर एट हंड्रेड तक के स्टैंडर्ड्स लेकिन अगर अपन रिव्यू कर रहे हैं तो अपने ऊपर लगता है एस आर ट्वेंटी फोर हंड्रेड सीरीज एस आर ट्वेंटी फोर हंड्रेड सीरीज यानी यहां लगता है अपने ऊपर एस आर इज दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स तो याद रखिएगा सर जब अपन रिव्यू करेंगे ना तो अपने ऊपर कोई स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग नहीं लगेगा अपने ऊपर लगेगा एस आर ई लेकिन 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 साथ में एसक्यूसी लग जाएगा साथ में मेंू SQ, सी क्यों लग जाएगा क्वालिटी कंट्रोल का क्योंकि याद करो एसक्यूसी का नाम में ही क्या था कि एसक्यूसी सारे एंगेजमेंट्स को कवर करता है चाहे वो ऑडिट हो चाहे रिव्यू हो चाहे अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू सो दैट इज व एसक्यूसी लग जाएगा बट नॉर्मली रिव्यू करते वक्त लग, वक्त लगने वाला है सीरीज ठीक है रिव्यू करते वक्त ओके okay जी इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या होगा पता है प्रैक्टिकली ये होगा देखो ऑडिट के अंदर ना हर चीज़ के लिए एक अलग स्टैंडर्ड था तुमने एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया उसके लिए 210 था तुमने क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान दिया 220 था तुमने डॉक्यूमेंटेशन किया 230 था तुमने फ्रॉड से एग्जामिन करे 240 था चालीस था तुम लॉ रेगुलेशन का नॉन कम्प्लाइंस को चेक कर रहे हो 250 था तुम दोस्त चार्ज गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर रहे हो टू था ठीक है ना तुम एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हो थ्री था तुम मेटलिटी लेवल्स सेसेस कर रहे हो थ्री था तुम मिस स्टेटमेंट से इवेल्यूएट कर रहे हो फोर था तुम गोइंग कंसर्न की चेकिंग कर रहे हो फाइव सेवेंटी था तुम रिलेटेड पार्टीज को एग्जामिन कर रहे हो फाइव फिफ्टी था गोइंग कंसर्न के लिए फाइव सेवेंटी था समझ पा रहे हो लेकिन रिव्यू में ना सिर्फ और सिर्फ एस आ रही ट्वेंटी फोर हंड्रेड के सीरीज है दैट्स इट सिर्फ ऐसा ही है और कुछ नहीं है कोई स्टैंडर्ड नहीं है कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो प्रैक्टिकली क्या होने वाला है पता है रिव्यू के स्टैंडर्ड जो होंगे ना तुम देखोगे कि एक ही स्टैंडर्ड में सब कुछ डाल दिया एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो भी उसी आसारी में डाल दिया डॉक्यूमेंटेशन की बात भी उसी आसारी में डाल दी कॉम्युनिकेशन विद दोस्ट गवर्नेंस की बात भी उसी आसारी में डाल दी रिपोर्टिंग की बात भी उसी एस में डाल दी ठीक है देन सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसिडर करना है उसी आसारी में डाल दिया रिलेटेड पार्टीज को कंसिडर करना है उसी आसारी में डाल दिया गोइंग कंसर्न देखना है उसी आसारी में डाल दिया तो प्रैक्टिकली तुम क्या देखोगे कि ऑडिट में जितना इंफॉर्मेशन आपने स्कैटर्ड वे में पढ़ा था तो रिव्यू में वो सारा इंफॉर्मेशन एक ही स्टैंडर्ड में आ जाएगा क्योंकि अलग से वहाँ पे स्टैंडर्ड्स नहीं लगने वाले जो है अपने को सिर्फ ही देखना है बट प्रैक्टिकली तुमको मेहनत नहीं करना होगा कुछ भी क्योंकि एप्लीकेशन सेम रहने वाला है फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी रिव्यूअर भी क्या करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लेगा तो ऐसा तीन का एप्लीकेशन जरूर लग रहा है वहां पर बट ऐसा तीन का रेफरेंस नहीं आएगा रिव्यूअर भी क्या करेगा सर रिव्यू करते वक्त दोस्त चार को कम्युनिकेट करेगा तो ऐसे 260 का रेफरेंस जरूर आ रहा है वहां पे, बट 260 का कोई भी रेफरेंस नहीं आएगा क्या नहीं आएगा सर कोई भी यू नो रेफरेंस नहीं आएगा रिव्यू रिपोर्ट के साथ भी अदर इंफॉर्मेशन जाता है जैसे कि ऑडिट में होता है तो वहां भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो 720 ट्वेंटी का एप्लीकेशन लग रहा है कंटेंट आप देखोगे मोरऑल लाइस सेम ही है खाली ऑडिट में बहुत ज्यादा था रिव्यू में बहुत कम है ऑडिट में गोइंग कंसर्न को लेकर यार दस पेज का स्टैंडर्ड था फाइव सेवेंटी और आप रिव्यू में देखोगे कि गोइंग कंसर्न की कहानी दो पैराग्राफ में खत्म कर दी है ऑडिट में फ्रॉड को लेकर पूरा स्टैंडर्ड था दस पेज का दो सौ चालीस और आप रिव्यू में देखोगे कि देखोगे कि फ्रॉड की कहानी दो पैराग्राफ में खत्म कर दी है ठीक है ना तो लगभग क्या करें इन्होंने कि रिव्यू करते वक्त जितना फ्रॉड के स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन चाहिए जितना गोइंग कंसर्न के स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन चाहिए जितना 315 सौ का एप्लीकेशन चाहिए वो थोड़ा थोड़ा ले लेकर ले लेकर ले -ले उसी स्टैंडर्ड में डाल दिया कि आपको अलग से किसी और स्टैंडर्ड में जाने की जरूरत नहीं है जो है यही है ठीक है जी अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग क्या रहने वाला है तो ऑडिट में अपना जो लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी एज पर द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन ऑप्टेन अब रिव्यू में अपना लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग क्या रहने वाला है इज गोइंग टू बी द लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग तो देखो मैंने तुमको क्या बताया कि ऑडिट में हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव वर्डिंग्स और रिव्यू में हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव वर्डिंग्स क्या है करते हैं सर रिव्यू में यूज करते हैं नेगेटिव वर्डिंग्स एग्जाम्पल लेते हैं मान लो डस से मान लो लैडस से तुम्हारा दोस्त है राहुल तुम्हारा दोस्त है राहुल तुमसे किसी ने पूछा कि राहुल कैसा लड़का है तुमसे किसी ने पूछा कि राहुल कैसा लड़का है एक तो तुम बोल रहे हो कि जितना मुझे राहुल के बारे में पता है राहुल अच्छा लड़का है जितना मुझे राहुल के बारे में पता है राहुल अच्छा लड़का है तो तुम सामने वाले को एक पॉजिटिव एश्योरेंस दे रहे हो अगर तुमने इस तरीके से बोला कि ऐसा तो नहीं है कि राहुल खराब है ऐसा तो नहीं है कि राहुल खराब है मुझे ऐसा तो नहीं पता कि राहुल खराब है मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली कि राहुल खराब है तो एक चीज बताना प्रैक्टिकली तुम सामने वाले को एश्योरेंस तो दे रहे हो तुम बोल रहे हो कि यार ऐसा तो कुछ नहीं पता कि राहुल खराब है बट तुम एक नेगेटिव टोन यूज़ कर रहे हो और नेगेटिव टोन यूज करते ही सामने वाले को लोअर एश्योरेंस मिल रहा है कम एश्योरेंस मिल रहा है ठीक है ना तो लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग यहां पर क्या होने वाला है लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग कुछ इस प्रकार से होने वाला है दैट इज

Nothing has come to the practitioner's knowledge which makes him believe that financial statements are not true and fair. That financial statements are not true and fair. तो यहां पे हमने किस प्रकार की वर्डिंग्स यूज करी कि सर प्रैक्टिशनर के नॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया जिसकी वजह से वो ये कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फेल्ड नहीं है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफ आर एफ के अकॉर्डिंग नहीं है तो तुम यहां पे क्या कर रहे हो नेगेटिव टोन यूज कर रहे हो ठीक है ना नेगेटिव टोन यूज कर रहे हो दो बार तुम नॉट यूज कर रहे हो पहले नथिंग यूज कर रहे हो फिर नॉट यूज कर रहे हो और दो नेगेटिव उसको बना देता है पॉजिटिव बट अल्टीमेटली एक लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस तुम दे रहे हो तो ये डिफरेंस है अब देखना ऑडिट के अंदर तुम अपटेन करते थे दैट इज करते थे ऑडिट एविडेंस और रिव्यू के अंदर तुम ऑप्टेन करने वाले हो अब देखो याद रखना रिव्यू करते वक्त एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना रिव्यू ऑडिट नहीं है रिव्यू रिव्यू है इसलिए उसका नाम रिव्यू है ठीक है ना रिव्यू ऑडिट नहीं है अब रिव्यू क्यों होता है कैसे होता है क्या रीजन है सब डिस्कस करेंगे बट रिव्यू 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 है रिव्यू ऑडिट नहीं है तो अगर मैं वर्ड यूज करूं सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो गलत हो जाएगा है कि नहीं गलत हो जाएगा तो यहां पे हम यूज करेंगे सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या यूज करेंगे सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस अगर हम यहां पे ऑडिट वर्ड यूज कर लेंगे तो मामला गलत हो जाएगा तो नॉर्मली यूज करेंगे यहां पे अपन ऐसे ही अब ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस किया जाता था सर शेयर होल्डर्स को एड्रेस किया जाता था लेकिन रिव्यू रिपोर्ट नॉर्मली एड्रेस किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिव्यू रिपोर्ट नॉर्मली किसको एड्रेस किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस किया जाएगा प्रैक्टिकली एक रिपोर्ट दिखाऊंगा तुमको सारा ए टू जेड क्लियर हो जाएगा तुम्हारा अब देखना डिपार्चर फ्रॉम एफआरएफ अगर एफआरएफ से डिपार्चर है तो ऑडिटर क्या देता था सर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देता था रिव्यू के केस में भी 700 705 का एप्लीकेशन सेम रहने वाला है

रिव्यूअर भी क्या करने वाला है क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देने वाला है अगर रिव्यूअर को भी मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया जो कि उसको रिव्यू के लिए चाहिए तो वो भी क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देने वाला है लेकिन खाली फर्क क्या है कि वो यूज करने वाला है वर्ड कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ ओपिनियन ठीक है वो वर्ड यूज करने वाला है वर्ड कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ ओपिनियन और उसके अलावा तुम देखोगे जितने भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं डायरेक्टली वो रिव्यू में आएगा नहीं उसका एप्लीकेशन नहीं उसका नाम नहीं आएगा लेकिन

रिलेटेड पार्टीज का स्टैंडर्ड है 550 तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में रिस्क को एग्जामिन करना ऑडिट में उसके लिए स्टैंडर्ड था 550 रिव्यू के केस में भी तुमको रिलेटेड पार्टी का पॉइंट मिलेगा बट एसआरई के अंदर ही मिलेगा और 10 पेज की जगह हो सकता है दो पैराग्राफ में खत्म कर दे आदर इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करने के लिए स्टैंडर्ड था ऑडिट में सात उसका भी रेफरेंस रिव्यू में मिलेगा बट अगेन विद एसआर के अंदर ही मिलेगा

अब देखना सर रिव्यू के दो स्टैंडर्ड्स होते हैं एस आर सीरीज और इस पर्टिकुलर सीरीज में दो स्टैंडर्ड्स है रिव्यू के एक है एसआर ट्वेंटी एक है एस आर एक है एस आर एक है एसआर ट्वेंटी ठीक है जी तो अब 2400 और 2410 में क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है इन डिफरेंसेस को समझने से पहले ये समझो कि रिव्यू होता क्यों है

और उन क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजर्व्स की कॉपी को स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करनी होती है तो आपको हर क्वार्टर में क्या करना है हर क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी हर क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करनी है आफ्टर गेटिंग इट बाय द दीओडी ठीक है जी अब वो जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट हो रही है हर क्वार्टर में हो रही है वो ऑडिटेड नहीं है वो ऑडिटेड नहीं है ऑडिट तो पूरे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होने वाला है ठीक है ना वो ऑडिटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं ये भी तो जरूरत है ना यार कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस को जो क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो रिलायबल मिल रहा है, है कि नहीं So, अब लॉ क्या कहता है अब लॉ ये कहता है कि सर वो जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना जो लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करती है उसका ऑडिट तो नहीं हो सकता मगर उसका रिव्यू होगा उसका ऑडिट तो नहीं हो सकता सर मगर उसका रिव्यू होगा कंपनीज को क्या करना होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज करना होगा एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर को एंगेज करना होगा और वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर क्या करने वाला है सर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करने वाला है मतलब ऑडिट में ज्यादा डिटेल्ड में चेकिंग करता ज्यादा प्रोसीजर्स लगाता अभी रिव्यू में उतने डिटेल्ड में काम नहीं करेगा कम प्रोसीजर्स लगाएगा मगर यहां भी सारी चेकिंग करेगा कम प्रोसीजर्स लगाएगा यहां भी सारी चेकिंग करेगा और हर क्वार्टर का एक लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू करेगा हर क्वार्टर का एक लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू करेगा ठीक है ना हर क्वार्टर का तो साल में चार क्वार्टर है चार क्वार्टर के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट हुआ तो चार क्वार्टर के क्या होने वाला है सर रिव्यू रिपोर्ट भी इशू होने वाला है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा सर हर क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू करेगा ठीक है जी इतनी बात समझ में आई हाँ अब देखना एक चीज मेरे को बताना क्या बताना किस अब ये जो पार्टिकुलरली रिव्यू करने वाला है ये आपने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करने वाला है लेकिन कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बंदा जो कंपनी का स्टैट ऑडिट भी, भी कर रहा है या कोई दूसरा प्रैक्टिशनर वो बंदा जो कंपनी का स्टैट ऑडिट भी कर रहा है या कोई दूसरा प्रैक्टिशनर अब लॉजिकल सी चीज सोचो अगर तुम किसी और प्रैक्टिशनर को ऑडिट करने के लिए रिव्यू करने के लिए अपॉइंट करते हो जो कि यू नो स्टेचरी ऑडिटर नहीं है तो उसको नए तरीके से काम करना होगा अल्टीमेटली तुम रिव्यू में भी देखोगे कि जितना चीज ऑडिट में होता है ना वो सारा कुछ होता है बस कम ट्रेड में होता है रिव्यूअर को भी की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है रिव्यूअर को भी डब्ल्यू आर लेना होता है रिव्यूअर को भी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना होता है रिव्यूअर को भी क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ता है रिव्यूअर को भी गोइंग कंसर्न चेक करना होता है रिव्यूअर को भी फ्रॉड रिलेटेड रिस्क देखने होते हैं तो रिव्यूअर को भी बहुत सारा काम करना होता है बट कम डिटेल्ड में होता है तो अगर आप एक नए बंदे को अपॉइंट करोगे तो प्रैक्टिकली क्या होगा उसके लिए काम ज्यादा होगा लेकिन अगर जो कंपनी का स्टेट ऑडिटर है वो तो ऑलरेडी ये सारा कुछ करने वाला है डिटेल्ड मैनर में अगर आप उसी को अपॉइंट कर देते हो रिव्यू कंडक्ट करने के लिए तो उसके लिए तो रिव्यू क्या वाग होगा इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर हिम क्योंकि एनी वो ऑडिट करने के लिए ये सारे काम करने वाला है ऑडिट करने के लिए एनी वेज अंडस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लेने वाला है डब्ल्यू आर लेने वाला है चीजें अच्छे से इंस्पेक्ट करने वाला है एग्जामिन करने वाला है यू नो ऑलरेडी ऑडिट करने के लिए वो सारी चीजें करने वाला है तो आप ऑडिटर को ही अगर रिव्यूअर बना देते हो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी है कि नहीं तो नॉर्मल सिनारियो क्या होता है सर कि आप ऑडिटर को ही रिव्यूअर अपॉइंट करते हो जो ऑडिटर होता है स्टेट ऑडिटर उसको ही रिव्यूअर अपॉइंट करते हो अब अगर आप उस ऑडिटर को ही रिव्यूअर अपॉइंट करते हो ना सो इन दैट सिचुएशन लगता है 2410, 2410. क्या लगता है? 2410 लगता है है लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करके किसी दूसरे प्रैक्टिशनर को रिव्यू करने के लिए अपॉइंट करते हो सो इन दैट सिनेरियो लगता है एस आर ट्वेंटी फोर हंड्रेड क्या लगता है एस आर ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो सानिध्य सराफ कंपनी का स्टैट ऑडिटर है आपने सानिध्य सराफ को ही अपॉइंट किया टू डू द रिव्यू ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन

लिस्टेड एंटिटी क्या करने वाली है क्वार्टरली तो प्रैक्टिकली अगर बात करें, तो फोर लिस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मैंडेटरी एंड इट इज प्रेफर्ड टू बी डन बाय द सेम स्टरी ऑडिटर और अगर सेम स्टेटरी ऑडिटर रिव्यू करता है तो वहां पर लगने वाला है एसआर ट्वेंटी फोर हंड्रेड टेन एंड इफ another इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर तो वहां पे लगने वाला है एसआर 2400। क्या लगने वाला है 2400? तो प्रैक्टिकली एक मान लो एक कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, एक कंपनी के क्या है बहुत सारे ब्रांचेज हैं बहुत सारे कॉम्पोन हैं। सो इन दट पर्टिकुलर सिन ऐसा हो सकता है यार कि कुछ कॉम्पोनेट्स का जो रिव्यू है वो कोई दूसरा बंदा कर रहा है दूसरा प्रैक्टिशनर कर रहा है तो वो लोग फॉलो करेंगे ट्वेंटी और जब रिव्यू सेम बंदा कर रहा है सेम स्टैट ऑडिटर कर रहा है वो लगाएंगे 2410 वो लगाएंगे 2410 इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन दिखाऊंगा तुमको मैं ठीक है तो ये डिफरेंस है अब सर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज का ही रिव्यू होगा लिस्टेड एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही रिव्यू होगा अनलिस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी हो सकता अनलिस्टेड कंपनीज भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करा सकती है बस उनके लिए उतना मैंडेटरी नहीं होगा अगर शेयर होल्डर्स कहते हैं तो शेयर होल्डर्स को सेटिसफाई करने के लिए वो लोग भी रिव्यू करा सकते हैं ठीक है एक चीज और आपके साथ शेयर कर रहा हूं फॉर द नॉलेज पर्पज कि सर कंपनीज जब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा जब क्वार्टरली बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उसके लिए भी एप्लीकेबल एफ होता है उसके लिए भी क्या होता है एप्लीकेबल होता है अब उसके लिए एप्लीकेबल एफ क्या है तो अगर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड कंपनी है ए बेस्ड कंपनी है सो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो उनके लिए एप्लीकेबल एफ होगा ए एस और अगर एक इन डे कंप्लाइंट कंपनी है तो उनके लिए एप्लीकेबल एफ आर एफ होगा इन डी एस थर्टी फोर ठीक है अगर एक ए एस बेस्ड कंपनी है और वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो उनके लिए होगा एफआर एक इन डी एस बेस्ड कंपनी है और वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो उनके लिए एफआरएफ होगा इनडेस थर्टी फोर अब यह बात क्या स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में लिखा है नहीं ये बात स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में नहीं लिखा है ठीक है ये बात स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में नहीं लिखा है ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं आप लिख के भी आ जाते हो तो कुछ गलत नहीं है एज ए एडिशनल रेफरेंस आप लिख के आ सकते हो ठीक है जी तो इतनी बात समझ में आई नॉर्मली एप्लीकेबल एफ क्या होगा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ए एस ट्वेंटी फाइव पब्लिक इंडिया थर्टी फोर लिस्टेड एंटिटीज को क्या करना होता है क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स की कॉपीज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज अनऑडिटेड कॉपीज क्या करनी होती है सर स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करनी होती है ठीक है ना उसको अप्रूव कराना होता है बीओडी को बीओडी के द्वारा लिस्टेड एंटिटीज को सबमिट करना होता है क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू स्टॉक एक्सचेंजेस विदिन फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम द एंड ऑफ इच क्वार्टर दैट इज रेगुलेशन थर्टी थ्री ऑफ लोडर

अगर सेम इंडिपेंडेंट ऑडिटर कर रहा है तो एसएआर 2410 लगेगा तो अब जाकर हम लोग डिफरेंसेस डिस्कस कर सकते हैं एसएआर 2400 में 2410 में ठीक है जी एप्लीकेबिलिटी या फिर हु डज द रिव्यू तो एसएआर 2400 का नाम दिया गया है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तो जब भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू होता है जब भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू होता है एसआर ट्वेंटी फोर हंड्रेड लग जाता है जब भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू होता है अगर मान लो क्वार्टर मान लो डाटा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू नहीं हो रहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू हो रहा है तो वो भी पॉसिबल है अगर वैसा भी होता है तो एसआर ट्वेंटी लग जाएगा लेकिन एस आर ट्वेंटी कब लगेगा सिर्फ और सिर्फ रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस के में लगेगा सिर्फ और सिर्फ रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में लगेगा ऐसा ही की बात करें तो यहाँ रिव्यू कौन करता है यहाँ रिव्यू करता है एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर यहाँ रिव्यू कर रहा है एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर हु इज नॉट द स्टेट ऑडिटर हु इज नॉट द स्टेट ऑडिटर लेकिन अगर 2410 की बात करें तो यहाँ रिव्यू कौन कर रहा है सर 2410 में रिव्यू कौन कर रहा है स्टेटरी ऑडिटर ही रिव्यू कर रहा है एश्योरेंस की बात करें सर दोनों में लिमिटेड एश्योरेंस होगा दोनों में लिमिटेड एश्योरेंस होगा वर्डिंग्स की बात करें सर दोनों में नेगेटिव वर्डिंग्स यूज होंगे प्रोसीजर्स की बात करें सर लगभग लगभग लग, लगभग लग, 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 सिमिलर प्रोसीजर्स यूज होंगे दैट इज दोनों ही केसेस में मेनली इंक्वायरी एंड एआरपी परफॉर्म किया जाएगा दोनों ही केसेस में मेनली इंक्वायरी और एआरपी परफॉर्म किया जाएगा रिव्यू है ना तो मेनली मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना और कंपेरिजन करना ये रिव्यूर का मेन काम है मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो एंड यू नो कंपेरिजन करो दिस इज द मेन वर्क ऑफ द रिव्यूअर ठीक है आई बिलीव इतनी बातें समझ में आ गई हैं पूरी अच्छे से तो सबसे पहले ऑडिट एंड रिव्यू में हमने डिफ्रेंसिएशन डिस्कस किया कि क्या क्या डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ एश्योरेंस टेस्ट चेकिंग वर्डिंग ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड्स लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट था कि रिव्यू के केस में क्या रिपोर्टिंग लैंग्वेज होता है नथिंग प्रैक्टिशनर्स माइंड विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एज पर एफ ठीक है एविडेंस का पॉइंट था एड्रेसी का पॉइंट था डिपार्चर फ्रॉम एफ लिमिटेशन ऑन स्कोप 2400, फोर के बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज डिफरेंसेज अभी अभी आपने देखा एंड अगेन अगर बात करें तो सेविल ऑर्डर की क्या रिक्वायरमेंट है एप्लीकेबल एफ आर एफ क्या है ये पोर्शन मैंने तुमको तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए शेयर किया है नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बट ये वाला जो पार्ट है ये मैंने तुमको तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए शेयर किया है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए सर जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है फिर आगे भरते हैं एक ऑडिट रिपोर्ट दिखा रिव्यू रिपोर्ट दिखाता हूँ सॉरी तुमको कभी कभी देखो हमसे भी गलती हो जाती है रिव्यू की जगह ऑडिट शब्द यूज कर लेते हैं तो आप लोग तो स्टूडेंट्स हो और एग्जाम में आपने भी अगर गलती से रिव्यू की जगह ऑडिट रिपोर्ट वर्ड यूज़ कर लिया तो ऐसे जीरो दे देगा यू हैव टू बी केयरफुल ठीक है तो एक बार नोट uh, डाउन कर लीजिए फिर रिव्यू रिपोर्ट दिखाता हूं आपको और फिर हम लोग जब रिव्यू रिपोर्ट भी देख लेंगे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा फिर जाकर आपने क्या करने वाले हैं टेक्सट में जाने वाले सारे इसका तो देखिएगा सर यहां पे प्राइज वाटर हाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एल एल पी का एक रिपोर्ट दिया हुआ है ठीक है ना प्राइस वाटर हाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एल एल पी का एक रिव्यू रिपोर्ट दिया हुआ है तो देखना तुमको यहां पे मैं आदित्य बिरला कैपिटल का रिव्यू रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसके रिव्यू है डिलॉइट ठीक है तो सबसे पहले देखना यहां पे ना एक चीज बताना आ, रिव्यू रिपोर्ट से पहले या लेट अस से कि पार्टिकुलरली जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स जो स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट हुआ था उससे पहले बोर्ड मीटिंग भी होगी और बोर्ड मीटिंग में क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन को अप्रूव किया होगा है कि नहीं तो सबसे पहले उसी चीज का जिक्र आप देखना सबसे पहले उसी चीज का जिक्र है तो प्रैक्टिकली जो कंपनी सबमिट करती है तो सबसे पहले वो जो बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल कॉपी होता है वो होता है फिर रिव्यू रिपोर्ट होता है तो देखना यहाँ पे टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड किसको सबमिट किया जा रहा है कंपनी एड्रेस कर रही है कंपनी एड्रेस कर रही है किसको कर रही है टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्योंकि कंपनी को किसको सबमिट करना होता है स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करना होता है ठीक है जी आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग अंडर रेगुलेशन 30 एंड 33 ऑफ सेबी ऑफ सिविलेशन तो रेगुलेशन 30 एंड 33 क्या बोलता है लिस्टेड कंपनीज को कि आपको बोर्ड मीटिंग बैठानी होगी बोर्ड मीटिंग बैठा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना होगा ठीक है जी This is to inform you that, person to, pursuant to the applicable provisions of SEBI listing regulations, the Board of Directors of Aditya Birla Limited, at its meeting held today, considered and approved the unaudited financial results of the company for the quarter ended 30th June 2021. The unaudited financial statements. स्टैंड अलॉन एंड कंसोलिडेटेड अब कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज को जो सबमिट करना होता है वो स्टैंड अलॉन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की कॉपी और कंसोलीटेड रिजल्ट की कॉपी दोनों सबमिट करनी होती है अलॉन्ग लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट द मिटिंग कमेंट टू पी एम कंक्लूडेड एट थ्री फोर्टी फाइव पी एम मतलब एक घंटा पैंतालीस मिनट की मीटिंग चली थी और उसके बाद थैंक यू दॉर योर इन्फॉर्मेशन थैंक यू योर सिंसियरली फॉर आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जो भी कंपनी सेक्रेटरी उनका ऑथेंटिकेशन ये सारा कुछ आ गया ठीक है जी और फिर नीचे अपने कंपनी के इनिशियल्स आ गए रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल्स सा आ गया सारा कुछ आ गया अब आता है रिव्यू रिपोर्ट साथ में अटैच किया गया है रिव्यू रिपोर्ट हैल्स एंड सेल्स एलएलपी थी? ठीक है जी तो डिलॉयट का सारा डिटेल्स सा आ गया सबसे पहले टाइटल आ गया अब टाइटल ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं है, है ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट है ऑन द इंटर रिव्यू ऑफ इंटरिम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट ठीक है जी अब एड्रेस किसको किया जा रहा है सर शेयर होल्डर्स को नहीं एड्रेस किया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किया जा रहा you know, है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड वी है सिमिलरली दिसंबर वाले क्वार्टर का भी हो सकता था ठीक है ना the company which is responsibility the statement which is responsibility of the company's management and approved by the company BOD has been prepared in accordance with India's 34 matlab as indas based company hai to accordingly inke liye indas 34 lag raha hai prescribed under section 133 of companies act read with relevant rules theek hai ji our responsibility अब देखना, opinion word use नहीं करेंगे. our responsibilities to express a conclusion based on review वी कंडक्टेड आर रि नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं वी कंडक्टेड आर ऑडिट बेस्ड ऑन द स्टैंड ऑफ ऑडिटिंग यहाँ क्या बोलेंगे वी कंडक्टेड आर रिव्यू ऑफ द स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट रिव्यू एंगेजमेंट दट इज रिव्यू ऑफ इंटरम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन परफॉर्म बाई इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

कंपनी का नाम फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर एंगेजमेंट पार्टनर का नाम सिग्नेचर मेंबरशिप नंबर यूडिन नंबर प्लेस सिग्नेचर डेट ये सारा कुछ आ गया ठीक है जी और उसके बाद फिर बाकी अपना आदित्य बिल्डर कैपिटल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड अलोन अनऑडिटेड रिजल्ट फॉर द क्वार्टर फिर नोट्स आ गए जो भी नोट्स वगैरह चाहिए होता है वो आ गए ठीक है जी तो इस तरीके से यहां पे पार्टिकुलरली जो अपना रिव्यू रिपोर्ट है वो बना है इस तरीके से अपना रिव्यू रिपोर्ट बना है अब देखना एक रिव्यू रिपोर्ट तुमको और दिखा रहा हूं उसमें मेनली एक पैराग्राफ दिखा रहा हूं तुमको देखना एक पैराग्राफ दिखा रहा हूं रिव्यू रिपोर्ट तो लगभग ऐसा ही होगा थोड़ा बहुत लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन होगा तुमको एक पैराग्राफ दिखा रहा हूं ये रिव्यू रिपोर्ट भी ट्वेंटी के हिसाब से ही है ठीक है बट इसमें एक पैराग्राफ देखना

अब हम लोग जाएंगे और इंडिविजुअली ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी को देखेंगे अब मेनली अपना रीडिंग वर्क रहेगा अब तुम देखोगे कि यार तुम खुद भी सेल्फ स्टडी भी करोगे ना कि सारी ट्वेंटी फोर पढ़ लेता हूँ अब तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा बहुत ईजी होगा मेन एप्लीकेशन यही है बाकी तुम देखोगे ऑडिट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लेते थे रिव्यूअर भी लेगा ऑडिटर कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा था रिव्यूअर भी करेगा खाली इंक्वायरी और एआरपी तक वो सीमित रहेगा कुछ लिमिटेड रिव्यू प्रोसीजर्स होगा ऑडिटर डब्लू ले रहा था रिव्यूअर भी लेगा ऑडिटर एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा था रिव्यूअर भी करेगा ऑडिटर रिपोर्टिंग कर रहा था रिव्यूअर भी करेगा तो वो सारी चीजें लगभग सेम होने वाली हैं खाली उन स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस नहीं आएगा उसके बारे में जितना नॉलेज चाहिए तुमको एस में ही दिया रहेगा जितना नॉलेज चाहिए उसके बारे में तुमको एसआर में ही दिया रहेगा ठीक है ना सो आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर तो जितना अभी तक किया है उतना एक बार अच्छे से कर लीजिए बढ़िया से कर लीजिए मेन डिस्कशन यही है ये सार है कि इतना तुमको समझ आ गया मतलब तुम एग्जाम में कभी गलती नहीं करोगे और तुम अगर तुमको ये पूरा डिफ्रेंसिएशन समझ में आ गया कि रिव्यू ऑडिट के बीच क्या डिफरेंस है ऐसा ही ट्वेंटी के बीच क्या डिफरेंस है मैंने तुमको प्रैक्टिकल रिव्यू रिपोर्ट्स भी दिखा दिए एप्लीकेशन भी दिखा दिया तो आई बिलीव कि अभी ये चीज तुम्हारे दिमाग में एकदम फ्रीज हो गई है तो एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए फिर आगे अपन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स गो थ्रू करेंगे